गले दिल जुबा तेरी दुनिया से। प्रेम धवन एक ऐसे गीतकार जिनके लिखे गाने अक्सर हम गुनगुनाते हैं, खासतौर पर उनके देशभक्ति गीत। मगर ये बहुत ही दुखद है कि सालों साल कई मौकों पर इन गीतों को सुनने, गुनगुनाने, पसंद करने के बावजूद ज्यादातर लोग उन्हें लिखने वाले का नाम नहीं जानते। और जब नाम नहीं जानते तो जाहिर है उनकी शख्सियत के बारे में कैसे जानेंगे। डांसर, डांस डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, जिन्होंने गायन भी किया और अभिनय भी, मगर मुख्य रूप से प्रेम धवन एक गीतकार थे, कमाल के गीतकार, जिन्होंने कितने ही लाजवाब गीत लिखे जो अमर हो गए। तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। प्रेम धवन का जन्म अंबाला में हुआ, लेकिन उनके पिता लाहौर जेल में वार्डन थे तो बचपन लाहौर की गलियों में गुजरा। पिता वार्डन थे तो राजनीतिक कैदियों से मुलाकातें होती रहती थी। इन्हीं मुलाकातों ने उनके युवा जहन को भी झकझोरा। वो कॉलेज यूनियन का हिस्सा भी रहे। इसी दौर में उनके मन में स्वतंत्रता संग्राम के प्रति जुनून जागा, साथ ही लेखन भी शुरू हुआ। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन की। उस वक्त उन्होंने बहुत से देशभक्ति गीत लिखे और ऐसे ही वक्त में वो मुंबई पहुंचे। जब वो इप्टा के संपर्क में आए तो उन्हें एक ऐसा मंच मिल गया जहां वो गीत, नृत्य और लेखन के जरिए अपने क्रांतिकारी विचारों को खुलकर प्रकट कर सकते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात पंडित रविशंकर से हुई और प्रेम धवन ने उनसे संगीत सीखना शुरू कर दिया। शांति रॉय वर्धन ये वो हस्ती थे जिनसे उन्होंने नृत्य की शिक्षा ली। इस तरह वो लेखन के साथ साथ संगीत और नृत्य में भी पारंगत हो गए और जब फिल्मों में कदम रखा तो सबसे पहले संगीतकार खुर्शीद अनवर के सहायक के तौर पर काम किया। गीतकार के रूप में उनकी पहचान बनी बॉम्बे टॉकीज की 1948 में आई फिल्म जिद्दी से। बाद के दौर में आरजू, तराना, हमदर्द, वचन, एक साल, गेस्ट हाउस, सावन, हम हिंदुस्तानी, प्यार का सागर, जबक, काबुलीवाला, 10 लाख, एक फूल दो माली जैसी कितनी ही फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे। 1965 में आई मनोज कुमार की फिल्म शहीद, ये वो पहली फिल्म थी जिसमें प्रेम धवन ने म्यूजिक दिया और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ मनोज कुमार को जाता है, जिन्होंने प्रेम धवन की म्यूजिक की नॉलेज को देखते हुए फिल्म के निर्माता और अपने अच्छे दोस्त केवल कश्यप के आगे ये शर्त रखी थी कि इस फिल्म में म्यूजिक अगर कोई देगा तो वो प्रेम धवन ही होंगे। हालांकि प्रेम धवन खुद उनके इस ऑफर पर चौंक गए थे और सोचने के लिए कुछ वक्त भी मांगा था, मगर मनोज कुमार ने उनसे भी साफ साफ कह दिया था कि अगर वो म्यूजिक देंगे तभी ये फिल्म बनेगी। आखिरकार प्रेम धवन को उनकी बात माननी पड़ी और इस फिल्म के कई गाने भी उन्होंने ही लिखे। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में घातक लुटा जाएंगे। पवित्र पापी फिल्म में भी उन्हीं का संगीत था जिसमें पंजाबी फोक का इस्तेमाल उन्होंने बहुत ही खूबी से किया। उन्हें अलग अलग राज्यों के लोक गीत संगीत की गहरी समझ थी, मगर बतौर संगीतकार ना तो उनकी ज्यादा फिल्में आई ना ही उन्हें वो कामयाबी मिली जो गीतकार के रूप में उन्होंने पाई। नया दौर फिल्म का ये जो सुपरहिट सदाबहार गाना है, इसके डांस स्टेप्स में जो अदाएं हैं उनकी दीवानगी आज भी बरकरार है। इस गाने की कोरियोग्राफी प्रेम धवन की है। 2 बीघा जमीन का ये गाना याला सावन ढोल बजाता आया, तक तक मन के मोर नचाता आया। इसके अलावा 1950 की फिल्म आरजू, फिर धूल का फूल और गूंज उठी शहनाई में भी उनका डांस डायरेक्शन दिखाई दिया। बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हुए भी प्रेम धवन का नाम अपने समय के दूसरे गीतकारों की तरह लाइमलाइट में नहीं रहा। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि वो खुद को दिखावों से दूर रखते थे। वो बड़े बड़े बैनर्स या किसी खास कैंप का हिस्सा भी नहीं बने और बाद में फिल्मी दुनिया से अलग हो गए। 1970 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। 7 मई 2001 को
वो बहुत ही खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो गए। प्रेम धवन का नाम ऐसे ही गीतकारों की सूची में आता है जिन्हें उनके वक्त में वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जिसके वो हकदार थे, और फिर समय के साथ साथ उनके नाम को भुला दिया गया। फॉरगॉटन लिरिसिस्ट की ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन भी दबा दें। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि भारतीय सिनेमा से जुड़ी जानी अनजानी हस्तियों से हम आपका परिचय कराते रहते हैं।